पार्टनर बना ले प्लीज। प्यार में बैठ के जोड़ी कभी नहीं बैठती। बेकार प्लान, मैं करके देख चुका हूँ। फंस गया कमीने। कौन सी फिल्म में आगे नजर आने वाले हैं रणवीर और आलिया? कौन सी साउथ की रीमेक फिल्म में नजर आएंगे रणवीर? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है, मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। हाल ही में रणवीर सिंह का बर्थडे था। अपने विशेष दिन पर करण जौहर ने रणवीर और आलिया भट्ट अभिनेत अपनी आगामी फिल्म रॉकी एंड रानी की घोषणा की। रणवीर के कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें अपनी आगामी फिल्म के सेट पर क्लिक किया गया था, क्योंकि उन्होंने शूटिंग पोस्ट लॉकडाउन 2.0 को फिर से शुरू कर दिया था। करण जौहर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म रॉकी एंड रानी के साथ निर्देशन में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म की घोषणा रणवीर सिंह के जन्मदिन पर की गई थी। 2022 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को इशिता मोहित्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय ने लिखा है। फिल्म में शबाना आजमी, जया बच्चन और धर्मेंद्र भी हैं। बड़े पर्दे के लिए केजो का आखिरी निर्देशन 2016 में ऐ दिल है मुश्किल था। तो वहीं 2005 की तमिल ब्लॉकबस्टर अनन्यन की हिंदी रीमेक के लिए रणवीर सिंह को चुना गया है। फिल्म 2022 के मध्य तक फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। फिल्म की घोषणा उत्तर भारत में बैसाखी और तमिलनाडु में पुथांडू के शुभ दिन पर की गई थी। मूल फिल्म एक औसत व्यक्ति के जीवन का अनुसरण करती है, जो सरकार और व्यवस्था से निराश होता है और चीजों को अपने हाथों में लेता है। वहीं रणवीर की फिल्म तख्त मुगल काल पर आधारित एक आग्नि पीरियड ड्रामा है। ये दो युद्धरत मुगल राजकुमारों औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी का वर्णन करती है। करण जौहर की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर खान, जानवी कपूर और अनिल कपूर हैं। जहां रणवीर दारा की भूमिका निभाएंगे, वहीं विकी को औरंगजेब के रूप में लिया गया है। यानी एक बार फिर रणवीर और आलिया की जोड़ी इसमें दिखाई देगी। वहीं रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित सर्कस 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली है। रणवीर सिंह इस फिल्म में अपने करियर में पहली बार दोहरी भूमिका निभाएंगे, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े भी मुख्य भूमिकाओं में। वरुण शर्मा, सिद्धार्थ जाधव, जॉनी लिवर, संजय मिश्रा, व्रजेश हिरजी, विजय पाटकर, सुलभा आर्य, मुकेश तिवारी, अनिल चरणजीत, अश्विनी कालेसकर और मुरली शर्मा सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म 1982 में आई फिल्म अंगूर पर आधारित है। इसी के साथ कबीर खान द्वारा अभिनित 83 भारतीय क्रिकेट टीम की कहानी पर आधारित है और कैसे इसने 1983 के वेस्ट इंडीज को हराकर अपने पहली विश्व कप जीत हासिल की। रणवीर को पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के रूप में देखा जाएगा। फिल्म में दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, साकिब सलीम, हार्डी संधु, ताहिर राज भसीन, जतिन सरना भी हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता और उनकी पत्नी लंदन में थे। दीपिका फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। और अंत में रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की चौथी किश्त सूर्यवंशी भी शामिल है रणवीर की फिल्मों की लिस्ट में। फिल्म में अक्षय कुमार आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख डीएसपी वीर सूर्यवंशी के रूप में कैटरीना कैफ के साथ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह ने फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से सिंघम और सिम्बा की अपनी भूमिकाओं में एक विस्तारित केमियो उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन सर्कस रणवीर के लिए साल काफी अहम होगी, क्योंकि इसमें अभिनेता जोकर की ही तरह इधर उधर भागते सोते और करतब दिखाते दिखेंगे, जो उनकी असल पर्सनैलिटी से काफी मिलता जुलता है। कई बार उनके किरदार को देखकर चार्ली चैपलिन की याद आ जाएगी, क्योंकि चार्ली चैपलिन की ही तरह वो भी बिना कुछ कहे काफी कुछ इशारों में और अपने दमदार एक्टिंग से कह देंगे दर्शकों से, और बिना बोले ही चार्ली की तरह खूब हंसाएंगे लोगों को। आपको बता दें कि वरुण भी रणवीर की तरह डबल रोल में दिखाई देंगे इस फिल्म में। तो क्या लगता है आपको, क्या पसंद आएगा दर्शकों को बिना कुछ कहे हंसाने वाला चार्ली चैपलिन का ये स्टाइल फिल्म में? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब।